आज हम क्लास 11 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय निबंध की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। पहला पॉइंट है आपकी प्रस्तावना। दूसरा है वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। चौथा है टीकाकरण कार्यक्रम की विवेचना और पांचवा है उपचार। दूसरा है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। इसके अंदर पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है मोबाइल का बढ़ता प्रभाव, तीसरा पॉइंट है मोबाइल के लाभ, चौथा पॉइंट है मोबाइल से हानि और पांचवा पॉइंट है उपचार। आपको कोरोना वायरस और मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, इन दोनों में से किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हो, चाहो तो कोरोना वायरस पे या चाहो तो मोबाइल फोन के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इन पॉइंट्स की सहायता से आपको निबंध लिखना है। तो हम मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप पर निबंध देखते हैं। तो मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना या जिसे भूमिका बोलते हैं, आधुनिक युग में मोबाइल फोन सबसे उपयोगी वस्तु हो है। आज के समय में हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन यदि वरदान है तो इससे बढ़कर अभिशाप भी है। मोबाइल फोन बहुत ही छोटा यंत्र है जिसे लोग आसानी से अपने जेब में रखते हैं। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोबाइल फोन हमारे लिए फोन वरदान है तो वही अभिशाप भी है। आज मोबाइल फोन का उपयोग पूरे विश्व में इतना अधिक बढ़ चुका है तो ऐसे मून हमें मोबाइल फोन की पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। मोबाइल फोन वरदान लाभ। अब हम मोबाइल फोन के वरदान के बारे में बात करते हैं। मोबाइल फोन से समाचार का आदान प्रदान सफलता से होता है। देश विदेश में रहने वाले अपनों से आसानी से कभी भी संपर्क में रह सकते हैं। यदि किसी से बात करना है और नंबर आपको याद नहीं है, फिर भी हम फोन में सुरक्षित किए नंबर की सहायता से बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन में ब्लूटूथ की सहायता से आप आसानी से किसी दूसरे के फोन पर फोटो वीडियो गाना भेज सकते हैं। मोबाइल फोन बहुत छोटा यंत्र है जिसे व्यक्ति अपनी जेब में या फिर हाथ में रखकर कहीं भी ले जा सकता है। व्यवसाय वाले व्यक्ति और छात्रों के लिए मोबाइल फोन में मौजूद कैलकुलेटर से हिसाब जैसे जोड़ना घटाना और गुणा भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन में कैलेंडर अलार्म घड़ी और नोटबुक की सुविधा है। यदि किसी की अचानक तबीयत खराब होती है तो इमरजेंसी में डॉक्टर और पुलिस बुलाने, किसी को तत्काल महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने या फिर किसी दुर्घटना का चित्र खींचने के लिए मोबाइल फोन के बहुत लाभ है। मोबाइल फोन से घर बैठे आप भुगतान कर सकते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैट कर सकते हैं, हाँ और मैसेज के साथ फोटो वीडियो और ईमेल भी भेज सकते हैं। यदि आप कहीं नई जगह जाते हैं तो रास्ते की जानकारी आपको नहीं होती है तो आप मोबाइल फोन में उपलब्ध GPS की सहायता से रास्ता खोज सकते हैं। ये तो थे आपके मोबाइल फोन के लाभ। अब हम बात करते हैं मोबाइल फोन के नुकसान या अभिशाप। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से स्वास्थ्य खराब हो सकती है। यदि आप वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो इसे दुर्घटना भी हो सकती है। यदि कोई ऑफिस की मीटिंग में उपस्थित है उस समय आपका कॉल आता है तो उसमें आपका ध्यान भटकने लगता है या फिर परेशान हो जाते हैं। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल करने से कान खराब होता है। यदि आपसे कोई बदला लेना चाहता है तो वह फोन के कैमरे का गलत उपयोग भी कर सकता है। यदि मोबाइल फोन ने जहां हमारे लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है वही कई तरह कि हमारे स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाती है। मोबाइल फोन के कारण विद्यार्थी वर्ग के लोग पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए चैटिंग करना, गेम खेलना और गाना सुनने में अपना समय बर्बाद करते हैं। इस तरीके से आपको प्रस्तावना, मोबाइल फोन के लाभ, मोबाइल फोन के नुकसान और उपसार लिखना है। उपसार के अंदर आपको ये लिखना है कि हमें क्या संदेश देना चाहिए, मोबाइल फोन के बारे में क्या इनका यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको एक ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निबंध लिखो, आपके मन में जो भी विचार है आप ऐसे निबंध लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो निबंध है वो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।